अजय यार, तेरे भाई पे सब लोग शक कर रहे हैं कि मैंने सुमन का खून किया है। मैं ये सब कर सकता हूं क्या? वो लोग नहीं जानते मुझे ये सब करके क्या मिलेगा। तू तो जानता है ना, मैं सुमन से कितना प्यार करता था, उसके बिना रह नहीं पाता था। मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा, लेकिन तेरी बात का सब यकीन करेंगे। इसलिए तू जल्दी से ठीक हो जाए यार। यार देखना, हमें किसकी नजर लग गई। अरे साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। बोलो। कि आपके कहने के मुताबिक राज ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपनी पत्नी का पहले एक्सीडेंट करवाया और फिर उसका खून कर दिया। लेकिन साहब, उस गाड़ी में उसका भाई भी था ना, और वो अपने भाई को क्यों मारना चाहेगा? लेकिन साहब, ये भी हो सकता है कि कार में उसकी पत्नी जाने वाली थी और अचानक कहीं से अजय भी उसके साथ चला गया। राज मारना तो सिर्फ सुमन को चाहता था, लेकिन बेचारा अजय भी लपेटे में आ गया। क्या बोलते हो साहब आप? हो सकता है राज दोनों को मरवाना चाहता हो। लेकिन साहब, वो अपने भाई को क्यों मारेगा? समझ में नहीं आ रहा है साहब, झोल तो है। डोंट वरी, पेशेंट अभी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर है, और ऐसे ही उसका बॉडी साथ देता रहा, 3-4 महीने में चलने फिरने लगेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगा। मिस्टर राज, थैंक यू बोलना है महक को। बोलो, महक की मेहनत कोशिश की वजह से आज उसके बॉडी में इतना इम्प्रूवमेंट आया। थैंक यू महक। थैंक यू मत बोलिए सर। अजय की सेवा करना, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। ठीक है, मैं चलता हूँ, ये फाइल को संभाल के रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। लाइए। पता है, आज मैं डॉक्टर शर्मा से मिली, उन्होंने आपकी नई दवाइयाँ दी है और आपके लिए एक नई थेरेपी भी बताई है। इस थेरेपी की प्रैक्टिस करने से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अजय, तुम फाइनली ठीक हो गए। मेरी मेहनत रंग लाई। इस दिन का मैं कितने दिन से इंतजार कर रही थी। अरे पगली, मैं बीमार ही कब था? What?